11 जून का मामला है, इसमें सिविल लाइन थाने में कंप्लेन प्राप्त हुई थी। रोहतास और विक्रम को 3 आरोपी उठाकर ले गए हैं, उनके घर पे फोन करके 1 लाख की ट्रॉफी मांगी है। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो दोनों युवकों हैं उनको तुरंत रिहा करवा दिया और आरोपियों को पकड़ लिया। ये 11 जून का मामला है, इसमें सिविल लाइन थाने में कंप्लेन प्राप्त हुई थी। इसमें ये बताया गया था कि रोहतास और विक्रम को 3 आरोपी उठाकर ले गए हैं और उनके साथ मारपीट की है और फिर उनसे उनके घर पे फोन करके 1 लाख की ट्रॉफी मांगी है। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्य करते हुए और पुलिस की जो टीम थी उपनिरीक्षक रामपाल और उनकी टीम वहाँ पर गई और उनको तुरंत वहाँ से आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। और इसमें दो आरोपी प्रदुम्न वैरवी दोनों को काबू करके गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ एक क्रेटा गाड़ी और एक झंडा पुलिस ने बरामद किया। ये पुलिस के पास जब सूचना मिली तो पुलिस ने इनकी लोकेशन वगैरह लेके और साथ ही साथ इसमें जो फ़ोन पे जो बता रहे थे कि पैसे लेंगे और इनकी पहले से भी कोई पैसे के लेकर रंजिश सामने आई है। ये कोयला का कोई काम करते थे, उसमें इन्होंने कुछ मुनाफा कमाया था जिसके ऊपर इनका विवाद था। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो दोनों युवकों हैं उनको तुरंत रिहा करवा दिया और आरोपियों को पकड़ लिया। ये अभी क्लियर नहीं है बट इसमें कोयले का काम करते थे तो इनका लेन देन था तो उसमें ही इनके कुछ विवाद बताया जा रहा है। अपहरण इनका कैथल से ही हुआ है और जो ये अम्बाला रोड कैथल वहाँ से इनका गिरफ्तारी हुई है। रोहतास यहीं का रहने वाला है, शिव कॉलोनी, और विक्रम है वो निवासी सुंदरपुरा जिला भीमसर। 11 जून का मामला है, इसमें सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। रोहतास और विक्रम को 3 आरोपी उठाकर ले गए हैं, उनके घर पे फ़ोन करके 1 लाख की ट्रॉफी मांगी है। तो पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो दोनों युवकों हैं उनको तुरंत रिहा करवा दिया और आरोपियों को पकड़ लिया। ये 11 जून का मामला है, इसमें सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। इसमें ये बताया गया था कि रोहतास और विक्रम को 3 आरोपी उठाकर ले गए हैं और उनके साथ मारपीट की है और फिर उनसे उनके घर पे फ़ोन करके 1 लाख की ट्रॉफी मांगी है। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्य करते हुए और पुलिस की जो टीम थी उपनिरीक्षक रामपाल और उनकी टीम वहाँ पर गई और उनको तुरंत वहाँ से आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। और इसमें दो आरोपी प्रदुम्न वैरवी दोनों को काबू करके गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ एक क्रेटा गाड़ी और एक झंडा पुलिस ने बरामद किया। ये पुलिस के पास जब सूचना मिली तो पुलिस ने इसकी लोकेशन वगैरह लेके और साथ ही साथ इसमें जो फ़ोन पे जो बता रहे थे कि पैसे लेंगे और इनकी पहले से भी कोई पैसे के लेकर रंजिश सामने आई है। ये कोयला का कोई काम करते थे, उसमें इन्होंने कुछ मुनाफा कमाया था जिसके ऊपर इनका विवाद था। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो दोनों युवकों हैं उनको तुरंत रिहा करवा दिया और आरोपियों को पकड़ लिया। ये अभी क्लियर नहीं है बट इसमें कोयले का काम करते थे तो इनका लेन देन था तो उसमें ही इनके कुछ विवाद बताया जा रहा है। अपहरण इनका कैथल से ही हुआ है और जो ये अम्बाला रोड कैथल वहाँ से इनका